चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करते चले। जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर चाकू से घायल कर लूट का मामला सामने आया है। पहले कार सवार ने बाइक सवार को टक्कर मार नीचे गिराया, उसके बाद चाकू से हमला किया, चाकू मार कर घायल किया और पैसे ट्रांसफर करवाए। तो देखिए, खो नागोरियान इलाके में सीबीआई फाटक के पास का ये पूरा मामला है। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी है, जहां चाकू से घायल किया गया, पहले टक्कर मारी गई वाहन को, बाइक सवार को टक्कर मारकर उसे नीचे गिराया, उसके बाद चाकू मारकर पैसे ट्रांसफर करवा लिए गए। तो लिहाजा इसे ये समझा जा सकता है कि प्रदेश में प्रशासनिक तौर पर प्रशासनिक अमले का किसी प्रकार का कोई खौफ बदमाशों में नहीं है, उपद्रवियों में नहीं है। रजाउल्लाह खान मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ फोनलाइन पर। रजाउल्लाह, पूरा मामला जरा विस्तार से बताइएगा, कब का ही पूरा मामला है, फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? बिल्कुल, देखिए, राजधानी जयपुर के इंदिरा गांधी नगर के रहने वाले हल्के राम ने जो है खो नागोरियान थाना रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि कार सवार चार व्यक्तियों ने मेरी मोटरसाइकिल को गाड़ी से टच कर दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे नीचे गिरने के बाद कार सवार व्यक्तियों ने कार से नीचे उतरकर मुझे पकड़ लिया, मेरे साथ मारपीट की, मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली, तथा उन चारों ने मुझे जबरन गाड़ी में पटक लिया। मैंने विरोध किया तो उन लोगों ने मेरे पैर पर चाकू मार दिया तथा मुझे मारपीट कर गाड़ी में बिठाकर इधर उधर घुमाते रहे और मेरे मोबाइल से उन लोगों ने मेरे गूगल पे से 26,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। कार में जो सवार चार अज्ञात व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। खो नागोरियान थाने के जो सब इंस्पेक्टर हैं मुकेश कुमार, वो मामले की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से काफी गंभीर मामला है कि राजधानी जयपुर में अपराधियों के हौसले जिस तरीके से बुलंद है, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस अधिकारी है उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही मामले को लेकर खुलासा कर दिया जाएगा। कल का ये पूरा जो मामला है वो बताया जा रहा है। फिलहाल राजधानी जयपुर के खो नागोरियान थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, अब देखने वाली बात होगी खुलासा पुलिस कब तक करेगी। जी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं रजाउल्ला, उसे ये साफ होता है कि भाई बदमाशों में या फिर लुटेरों में या फिर उपद्रव करने वालों पर किसी प्रकार का कोई खौफ है नहीं, ना सरकार की नीतियों का, ना प्रशासनिक अधिकारियों का। जी, साफ तौर पर देखिए, आज इस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिस क्राइम मीटिंग लेने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी मीटिंग के तौर पर ये मीटिंग होने वाली है। उन तमाम चीजों के अंदर, तमाम मीटिंग के अंदर ये मुद्दे भी उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जिस थाना इलाके में ये मुकदमा दर्ज हुआ है वो कहीं ना कहीं जंगलात विभाग से जुड़ा हुआ है, काफी सुनसान इलाके हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो आरोपी हैं उन आरोपियों को लेकर जल्द पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करने का दावा किया जाता है। हालांकि खो नागोरियान थाना पुलिस काफी एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सीसीपी खालिंदर सागर अपनी मॉनिटरिंग के चलते जो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कई वारदातों में देखने को मिला है कि जिस तरीके से अपहरण की वारदात हो या इस तरह के तमाम घटनाक्रम को लेकर जिस तरह की जो बातें सामने आती है, जैसे ही मुकदमा पीड़ित की तरफ से दर्ज होता है उसके बाद स्पेशल टीम मामले को लेकर एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के बाद जो तमाम खुलासे हैं उन खुलासों को लेकर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी ठीक है, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। रजा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। एक और, जहां बैठक मतगणना संबंधित तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, शाम 4 बजे प्रवासी नेताओं के साथ फीडबैक बैठक होगी। आज देश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में गए नेताओं का आभार भी जताया जाएगा। सह प्रभारी विजय राहटकर भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी